हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज 8 मई और मेरा बेटा का आज 5वां बर्थडे है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए तो आज मैं मेरा बेटा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तन्मय, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैप करो, क्लैप करो, क्लैप करो। थैंक यू। बोलो थैंक यू। थैंक यू। तुम हैप्पी बर्थडे बोला दीदी भाई को? बोली नहीं? तो देखिए, मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो स्कूल में सबको चॉकलेट देगा, तो इसीलिए देखिए मैम लोग के लिए और स्टूडेंट लोग के लिए सब चॉकलेट दे दिए इसमें, तो सबको जाके देगा। तो मैं टिफिन विफिन पैक कर लिए और देखिए टाइम भी हो गया 7:10, बेटा का 7:25 में स्कूल है तो हम लोग को अभी निकलना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आप लोग देखते रहिए और मैं दिन भर मेरा बेटा का सेलिब्रेशन का क्या क्या करती हूँ तो थोड़ा मोड़ा शेयर करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, अभी चलिए मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरा बेटा का स्कूल जाने का एकदम मन नहीं था क्योंकि आज मेरा बेटा का बर्थडे है, आप लोग को तो हम बोले ही है। तो क्या करूँ, आज मंडे टेस्ट है, इन लोग का स्कूल में हर मंडे को टेस्ट होता है, तो आज भी मंडे है तो उस टेस्ट है, हिंदी टेस्ट है, तो जाना तो पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने, और उसके बाद 8:25 में मेरा बेटी का स्कूल है, तो एक ही साथ में नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होता है, दोनों का अलग अलग टाइमिंग रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं मेरा बेटा को स्कूल छोड़ देती हूँ। और एक तो बात बोलने भूल गए, देखिए मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि आज मेरा बेटे का बर्थडे है, और बर्थडे का दिन में जिसका बर्थडे रहता है बच्चा लोग कलरफुल वाला ड्रेस पहन के जाता है, तो इसीलिए आज मेरा बेटा को मैं कलरफुल ड्रेस पहना के भेजे हैं। तो ठीक है, अभी देखिए मेरा बेटा देखिए अंदर जा रहा है, तो देखिए ऑरेंज कलर का। तो ठीक है, अभी चलते हैं घर में, जाके बहुत काम भी है क्योंकि रात में अभी पार्टी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं घर भी आ गई हूँ और आके देखिए मैं खीर बैठा दिए, तो ये देखिए, और आलू का भुजिया ये भी बनाना है, तो ये सब चीज़ सब रात के लिए, और खीर हम अभी दोपहर में बेटा को खिलाएंगे और रात में भी सबके लिए भी रखेंगे क्योंकि उसका फ्रेंड लोग और उसका मम्मी पापा सबको मैं बुलाई हूँ, तो सबको आएंगे, केक वूक काटा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आलू का भुजिया कैसे काट लिए, और काट के बर्फ़ दे के उसको आधा घंटा जैसे रेस्ट करके रख देंगे। और यहाँ देखिए 3 गो भुजिया किए और 2 गो भुजिया बनाना है क्योंकि हम लोग बर्थडे में 5 भुजिया जैसे हम लोग खिलाते हैं बच्चा को। और इधर देखिए काबुली चना, ये रात के लिए है, तो अभी मैं थोड़ा सा उबाल के रख देती हूँ, आगे करके रख देती हूँ क्योंकि हड़बड़ी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ बेटा को लेने के लिए, छुट्टी होने का टाइम भी हो गया। देखिए सब पेरेंट्स लोग कैसे खड़े हैं बाहर गेट के बाहर, और बच्चा लोग देखिए उधर से निकल के इधर आ जाएगा, तो मम्मी पापा गार्जियन जो जो है उन लोग लेके चला जाएगा घर। तो देखिए मेरा बेटा का भी टाइम हो गया और निकल रहा है, देखिए। ओ मैम, तन्मय, व्हाट आर यू डूइंग? तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आलू भुजिया ऐसे बर्फ से निकाल के और हवा में दे दिए थे थोड़ा सा फैन का हवा में, तो अभी देखिए पूरा ड्राई हो गया, उसको निचोड़ के मैं रख दिए थे। तो बेटा को स्कूल से लेके आके मैं फिर बैठ गई हूँ रात का रेसिपी बनाने के लिए। तो देखिए तेल गर्म हो गया और उसमें मैं कारी पत्ता धो के रखे थे तो उसको मैं फ्राई कर लिए, और उसके बाद सूखा मिर्चा मैं दे दूंगी और मूंगफली जो है मूंगफली भी फ्राई कर लूंगी, और लास्ट में जो आलू सूखा वाला करके रखे हैं तो उसको मैं अच्छे से करके फ्राई कर लूंगी। तो ये वाला भुजिया फ्राइड राइस में खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो ये वाला चीज़ मैं बना रही हूँ पहली बार यहाँ। Thank you.
फ्रेंड्स ये देखिए आलू भुंजिया रेडी हो गया और देखिए कलर देखिए येलो है तो मैं हल्दी थोड़ा सा दे दिए थे इसलिए। और इधर देखिए गैना बड़ी है, ये चावल में खाने के लिए किए हैं। और ये वाला जो भुंजिया इसमें हम लोग नमक नहीं दिए हैं, जब खाएंगे उस टाइम हम लोग बीट नून जो होता है वही वाला मिला देंगे। और यहाँ देखिए कढ़ाई भी गर्म है बोल के पनीर भी थोड़ा सा फ्राई कर ले रहे, ये रात में चना मसाला जो बनाएंगे तो उसी में मतलब इसको मिलाएंगे, तो उसी का तैयारी भी चल रहा है। तो साथ ही साथ दोपहर का खाना भी हो गया बनाना। तो देखिए मेरा बेटा यहाँ भगवान को नमस्कार कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। हेलो, टेस्टी দেখ কি সুন্দর লাগছে পনিরটা, দেখ দেখেছিস কেনে 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 খাবে না। আরে দিদি ভাই ওকে দিয়েছি, দেখ খাবে না দিদি ভাই, ও পনির খাবে, এই দেখ। तो फ्रेंड्स दोपहर में खाना उना खा के थोड़ा सा रेस्ट किए थे और अभी शाम 5 बज गया और मेरे हस्बैंड देखिए चिकन बना रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं। और यहाँ देखिए काबुली चना पनीर का सब्जी बनाई है, इसको मैं फ्राइड राइस के साथ सर्व करूँगी। नीचे जो कढ़ाई है उसमें भी फ्राइड राइस है, तो पूरी बनाना है वो शाम को मैं बनाऊँगी। तो अभी चलते हैं सामने वाला रूम में, क्योंकि सामने रूम में केक काटिंग होगा तो वहाँ डेकोरेट थोड़ा सा करना है, क्यों नहीं कुछ भी नहीं किया। मेरा फ्रेंड लोग भी आ गई है तो बेलून लेके चलते हैं सामने रूम में। और यहाँ देखिए मेरा बेटा सो गया, तो चलिए बोले जैसा शहर से उसी तरह तन्मय। अभी ये हो रहा है ना, बात सहर्ष का वाच दिखाइए दिखाइए, कौन ला दिए? बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। अरे तो ये देखिए मेरा बेटा का एक ठो गिफ्ट आ गया। तो हम लोग का जान पहचान एक ठो अंकल है, बंगाली अंकल, उन लोग भी हम लोग का उधर ही रहते हैं झाड़ग्राम में, तो ही अंकल उनको बुलाए हैं। तो मेरा बेटा के लिए देखिए ये वाला गिफ्ट कितना सुंदर खिलौना तो वो लाए हैं, तो सब बच्चा लोग मिल के बजा रहा है। तो अभी चलिए मेरा बेटा को तैयार करा देते हैं, मेरा बेटी भी तैयार नहीं हुई है तो तैयार करा देते, सब कोई आ गया है। करो नमस्ते, करो दादू को नमस्ते, करो प्रणाम करो, प्रणाम करो, उसका तबीयत खराब हुआ है। अच्छा देखिए बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय के दिखाओ, हाय चला। तो फ्रेंड्स इधर देखिए किचन में मेरा सहेली लोग आ गई है और मेरा कितना मदद कर रही है, इन लोग पूरी छान रही है। तो यही काम मेरा बाकी था तो इन लोग थोड़ा सा मदद कर रहे, तो ठीक है चलिए मेरा बेटा का बर्थडे केक आप लोग को दिखाते हैं, तो वाला मैं नहीं दिखाई हूँ। और यहाँ देखिए पायल को देखिए पूरी दिखा रही है सब लोग को, तो चलिए हम बर्थडे का केक मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए तन्मय लिखा है, तो चॉकलेट केक, उसको ब्लैक फॉरेस्ट केक अच्छा लगता है तो वो चॉकलेट मिला के लाए हैं, तो अभी लेके चलते हैं सामने रूम में। बाबू कुछ ना दे जी, ए बाबू हैप्पी बर्थडे हो गया, मजा हो गया। फोटो तुले छो इधर, इधर सब तुले सब कोले, मैं तो सी हूं चलेस अभी नहीं ऐसे या खुले दो पहले।
कैसा लग रहा है चिकन बोलो सरस अच्छा दादा सरस हाँ जानू कैसा लग रहा है बोलिए कैसा लग रहा है अच्छा रस दीजिए ना तुम क्या लेगी पूरी लेगी कि फ्राइड राइस लेगी पूरी रेवी नहीं रेवी तो रस आपने रूही को तो रूही सरस को तन्मय अभी तन्मय खाया है केक अब भूख नहीं है और चना मसाला लोगे चिकन नहीं खाती हो तुम और रूही खाती है दोनों दोनों बहन का अलग अलग हाँ देखते अलग अलग नहीं ले लो पेट भर होगा पानी पीना है दे रहे खाबे ना जो माखो खाबे ना पेट भरती
तो फ्रेंड्स हम लोग चले गए, खाना वाना खा के सब लोग चले गए। तो अभी हम लोग आए हैं बेडरूम में और थोड़ा सा गिफ्ट क्या क्या मिला मेरा बेटा को थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है जामा और पैंट। ये देखिए, ये मेरा फ्रेंड रीमा उन लोग दी है। तो देखिए बड़ा ही दी है, तो मतलब अभी तो नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, आराम से हो जाएगा। तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए नेक्स्ट क्या क्या दिया है तो वो आप लोग को दिखा देती हूँ। चलो नेक्स्ट 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 के कौन सा वाला देखोगे बोलो। ये वाला ठीक है, ये वाला कौन दिया दिखाओ। ये वाला रूही। अच्छा वाह रे वाह। अच्छा खोलो। ये वाला सहर्ष। अच्छा ये सहर्ष दिए छे सहर्ष है बाबा सोहर से रल्दा और उधर अंदर बाबा मैं रल्दा। सहर्ष सहर्ष का देखो, सहर्ष का दो खोल देते ताकि दीदी ने किस। रूही रूही क्या दिया है? चोको चॉकलेट। वाह हो गया रूही का चॉकलेट है ना। अरे ये भी चॉकलेट लग रहा है। ये भी उसी तरह चॉकलेट, दोनों सेम सेम। और ये क्या है? सहर्ष का मम्मी। अच्छा ऐसे मत छोड़ो बेटे। बाप रे बाप, कपड़ा पूरी गाँव शीतकाल। बाप रे बाप, शीतकाल एकदम है, अभी नहीं होगा। हो गया। और एक इसका है, ये लग रहा है इसे जानू दे। एक इसका है जानू दे ना। वो तोड़ो चॉकलेट। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग इतना तक ही है, फिर मिलेंगे और एक तो नई ब्लॉग में। तो आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। तो आज के लिए टाटा बाय एंड गुड नाइट।